नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मथुरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की शिल्प कला। यदि आप लोकल पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत कम ही डिटेल्स मिलते हैं शिल्प कला से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 14 प्रकार के शिल्प कला पाए जाते हैं, उन सारी शिल्प कलाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो कौन कौन से क्षेत्र में शिल्पकला प्रचलित है, क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसमें क्या क्या विशेष है, क्योंकि कभी कभी उत्सव पारंपरिक के लिए भी कुछ विशेष प्रकार की शिल्पकलाएँ बनाई जाती हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि शिल्पकला है क्या। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दरवाज़ा हो गया, खिड़कियाँ हो गए, तो हम उसको शिल्पकला के अंतर्गत नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि शिल्पकला वे वस्तुएँ होती हैं जिससे किसी वस्तु को हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाले वस्तुओं के रूप में बदला जाता है, उसको तराश कर उसको विशेष प्रकार की आकृति या संरचना दिया जाता है। इसलिए शिल्पकला जो है हस्तशिल्पकला बोला जाता है। जो हाथों से बनाई जाती है हस्तशिल्पकला, वही जो है शिल्पकला है, ठीक है। और ये जो है अभी से स्टार्ट नहीं हो, ये परंपरागत रूप से बहुत पहले से चली आ रही है। इसी कारण किसी विशेष जनजाति का यहाँ पर विशेष पहचान बन गई है। जैसे कि यदि मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि जो तांबे का काम करते हैं वो ताम्रकार होते हैं, ठीक है। जो सोने का काम करते हैं उसको स्वर्णकार या सोनार बोल देते हैं। लोहे का काम करने वाला जो है लोहार होता है। तो किसी विशेष जनजाति के इसी शिल्पकला के कारण विशेष पहचान बन चुकी है। अभी हम यदि इसके विकास के बारे में बात करें कि शिल्पकला का विकास कैसे हुआ है, तो जब आदिमानव के समय में जब लोग शिकार करते थे, सिर्फ उनका जीवन यापन करने का साधन शिकार था, शिकारी प्रवृत्ति के होते थे, उस समय से जो है इसका विकास हुआ है। सबसे पहला जो शिल्पकला का विकास हुआ है वो प्रस्तर शिल्पकला है, यानी कि पत्थर से बनाए जाने वाले शिल्पकला, ठीक है। इसका जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो है शिल्पकला का विकास हुआ है। तो सबसे पहले पत्थर को हुआ है। जब आदिमानव जो है शिकार प्रवृत्ति के थे, सिर्फ शिकार करते थे, उस समय उनको जरूरत पड़ी औजारों की, क्योंकि जानवरों को हाथों से पकड़ के तो नहीं मार सकते थे, बहुत ही मुश्किल जाता था। तो उन्होंने धारदार नोक के लिए हथियार बनाए, वहाँ से जो है प्रस्तर शिल्पकला का जो है विकास हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो है जब उनको आग के बारे में पता चली, तो उनको लगा कि जो कच्चे खाते थे उन लोग मांस को, उसको पका कर खाना जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसको उनके बर्तन की जरूरत पड़ी, जिसलिए मिट्टी शिल्पकला का विकास हुआ। अब सामान को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए पहिए की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। तो जब पहिए का आविष्कार किया गया तो कास्ट का जो है क्या हुआ, विकास हुआ, कास्ट शिल्पकला। उस समय लोहे और तांबे की जो है विकास नहीं हुआ था, लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। तो सबसे पहले याद रखेगा पत्थर, और उसके बाद मिट्टी, मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाना स्टार्ट हुआ, फिर आया आपका कास्ट शिल्प कला, ठीक है। लोहे वगैरह जितने भी आए हैं धातु कला, वो सारे बाद में आए। तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ की जो शिल्प कला है, 14 शिल्प कला है, उसमें सबसे पहले देखते हैं बांस शिल्प कला को, ठीक है। बांस शिल्प कला क्या होती है? बांस से जो है विभिन्न प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ बनाई जाती हैं, साथ में सौंदर्य वस्तुएं बनाए जाते हैं जो घर में सिर्फ सजाने के लिए रखा जाता है। अब उपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी बनाई जाती हैं? तो सबसे पहले दौरी। दौरी क्या होता है दोस्तों? टोकरी का ही एक प्रकार है। ज़्यादातर मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी शब्द ही प्रयुक्त किया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, छत्तीसगढ़ी शब्द ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी हमको छत्तीसगढ़ में रहने के बावजूद भी समझ में नहीं आता। तो दौरी क्या होता है? एक विशेष प्रकार की टोकरी होती है जिसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, धान रखने का काम आता है, धान रखने का पात्र होता है, वो दौरी होता है। जबकि टोकरी जो है क्या है, उसी का प्रतिरूप है, लेकिन टोकरी कई प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे फल वगैरह रखने के लिए, बर्तन वगैरह रखने के लिए, ठीक है। छितका और झांपी, ये क्या होता है दोस्तों? यदि हम झांपी की बात करें तो जो मुर्गे संचालक लोग होते हैं पोल्ट्री फार्म वगैरह में, मुर्गे मुर्गियों को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिस बांस की संरचना का, जालीनुमा संरचना होती है, इसको उपयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है झांपी, ठीक है। चोंगरी, चोंगरी क्या होता है दोस्तों? चोंगरी जो है एक जो बांसुरी नुमा एक शंकुनुमा जो है संरचना होती है जिसको मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें जो है पानी में ऐसे उसको रखते जाते हैं, जब मछली उसके अंदर में आती है तो पता चल जाती है, तो दूसरे साइड होल रहते हैं, मछली को फिर उसमें से
निकाल लिया जाता है तो भी बांस से ही बनाया जाता है। सूपा एवं अन्य, सूपा जानते हो आप लोग, जो धान वगैरह सफाई करने में उपयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ में सूपा होता है। खरहेटा आप लोग उपयोग करते हो, वो भी बांस से ही बनाया जाता है। और झउहा, छत्तीसगढ़ी में झउहा प्रयुक्त किया जाता है गोबर वगैरह रखने के लिए, वो भी बांस से ही बनाया जाता है। अन्य सामग्री में जो सजावटी वस्तुएं होती हैं, आपको वीडियो में एक दो दिखाई दे रही होगी, मैं ये हाल ही में व्यापार में ला गया था, वहाँ पे कुछ हस्तशिल्प कला मेरे को दिखाई दिए तो मैंने वहाँ पे वीडियो बना लिया था, तो उसको देख सकते हैं। वहाँ पे जो है कांस्य मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी, बांस शिल्प कला दिखाई दे रही होगी और धातु शिल्प कला, ठीक है। और ये जो बांस शिल्प कला है दोस्तों, वो ज़्यादातर कहाँ प्रचलित है, बस्तर क्षेत्र में। सबसे पहली बात तो जो जनजाति क्षेत्र हैं, कुछ विशेष प्रकार के जो जगह हैं, जो जिले हैं, उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। कुछ गिने चुने ही हैं, एक तो बस्तर है, रायगढ़ है, आपका सरगुजा है, राजनांदगांव है और जगदलपुर है। ये पांच जगह का नाम आपको देखने के मिलेगा शिल्पकला में। ये सारी शिल्पकलाएँ जो है वहीं पर जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बस्तर में विशेष प्रचलित है बांस शिल्पकला, और किसके द्वारा बनाया जाता है, विशेष में कमार जनजाति के द्वारा, ठीक है। दूसरा देखते हैं काष्ठ शिल्पकला। काष्ठ शिल्पकला यानी कि लकड़ी से जो बनाए जाने वाली वस्तुएं होती हैं, तो सबसे पहले कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, घोटुल के खंभे। घोटुल क्या होता है दोस्तों, मुड़िया जनजाति का युवागृह होता है, यदि आप जनजाति पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। घोटुल जो है मुड़िया जनजाति का युवागृह होता है, जो एक शिक्षा का केंद्र होता है, तो वहाँ पे जो खंभे प्रयुक्त किए जाते हैं घोटुल के खंभे, वो काष्ठ के बनाए जाते हैं, मुड़िया जनजाति में प्रचलित होता है। उसके अलावा लकड़ी की जो हम मूर्तियाँ बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी बेलबूटे भी बनाए जाते हैं, देवी झूले, तीर धनुष का भी प्रचलित किया जाता है, जिसमें बांस भी प्रयुक्त किया जाता है, काष्ठ का भी बनाया जाता है। कुल्हाड़ी का जो हैंडल होता है वो भी आपका काष्ठ से बनाया जाता है। खिलौना हो गए, विभिन्न प्रकार के बच्चों के खेलने वाले जो खिलौने होते हैं। और सौंदर्य सामग्री, घर में सजाने के लिए लकड़ी की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ और संरचना बनाई जाती है, वो काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत आती है। ये भी सेम आपका बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा में ही बनाई जाती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस्तर, रायगढ़, सरगुजा को ज़्यादातर आप याद ही रखिएगा। अब विशेष में क्या है दोस्तों, बस्तर का काष्ठ शिल्प विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरा है रायगढ़ का काष्ठ शिल्प उच्च कोटि का माना जाता है, दोनों में डिफरेंस है। बस्तर का काष्ठ शिल्प जो है विश्व में प्रसिद्ध है, जबकि रायगढ़ का काष्ठ शिल्प जो है उच्च कोटि का माना जाता है, इसलिए भी मैं उसको विशेष में लिया हूँ। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, रायगढ़ का काष्ठ शिल्प उच्च कोटि का माना जाता है, इसको याद रखिएगा। तीसरा जो है मिट्टी शिल्पकला है। मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे घड़े, मटका वगैरह हो गए, वो सब जो है मिट्टी शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। पहले जो है धातु का विकास नहीं हुआ था तो इसी बर्तन का उपयोग किया जाता था, ठीक है। बर्तन हो गए, खिलौने और मूर्तियाँ, ठीक है, विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं मिट्टी के शिल्पकला में। जो है खिलौने के बारे में यदि बात करें, तीजा पोला में जो बैल वगैरह आप लोग देखते हैं मिट्टी से, छत्तीसगढ़ी में दिया चुकलिया भी आप जानते होंगे, ठीक है, तो वो खिलौने जो है मिट्टी शिल्पकला के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ जो है मिट्टी शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। ये कहाँ प्रचलित है, तो सर्वाधिक जो है रायगढ़ में प्रचलित है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पहले लिया है। रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर, ये चारों जगह पे शिल्पकला जो है मिट्टी शिल्पकला मुख्य रूप से प्रचलित है, जिसमें से विशेष रायगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और सोनाबाई यहाँ की निपुण कलाकार हैं मिट्टी शिल्पकला की, इसलिए मैंने यहाँ पे विशेष में सोनाबाई को लिया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सोनाबाई को जो है ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई है मिट्टी शिल्पकला में, कई बार उसको अवार्ड वगैरह भी मिल चुका है सोनाबाई को। चौथा है कंघी शिल्पकला। अब कंघी शिल्पकला हमारे इधर के क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ बस्तर और जगदलपुर क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, कंघी शिल्पकला में रत्नों की जड़ाई किया जाता है। कंघी जो होता है, हम लोग कंघी करते हैं, वो लकड़ी का भी बनाया जाता है और आपका फाइबर का भी रहता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, रत्नों की जड़ाई कर उसको सौंदर्य आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं। वहाँ की जो महिलाएँ होती है बस्तर की, तो यहाँ इधर जो क्लचर हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब लड़की लोग, उसी प्रकार से यहाँ पे कंघी का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के रत्नों में जड़ाई की जाती है। ये कहाँ बनाई जाती है, ज़्यादातर बस्तर और जगदलपुर में प्रचलित है, और बस्तर में कंघी प्रेम उपादान के रूप में प्रचलित है, इसको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस्तर में कंघी प्रेम उपादान के रूप में प्रचलित है। हमारे यहाँ जैसे गिफ्ट दिया जाता है एक दूसरे को, जो प्रेम और प्रेमिका होती है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को कुछ भी गिफ्ट देते हैं, उसी प्रकार बस्तर में प्रचलित है, उसको कंघी जो है गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, वो उसको अपनी बालों पे लगाती है वहाँ की महिलाएं। तो बस्तर में कंघी प्रेम उपादान के रूप में प्रचलित हैं,
इसको याद रखिएगा। पांचवा है पत्ता शिल्पकला, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे, सभी लोग उपयोग करते हैं। पत्ता शिल्पकला में झाड़ू और चटाई बनाई जाती है, किससे? छिंद पौधे से। छिंद को आप लोग देखेंगे, देखे होंगे, ताड़नुमा जो रहता है कटीला टाइप का, उसकी पत्ती रहती है, उससे झाड़ू बनाया जाता है और चटाई बनाया जाता है, ठीक है। यह भी सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और राजनांदगांव में प्रचलित है। और किसके द्वारा बनाई जाती है? विशेष ये पनारा जनजाति द्वारा, सॉरी जनजाति बोल रहा हूँ, पनारा जाति के लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। किसको? पत्ता शिल्पकला, ठीक है। कहाँ प्रचलित है? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और राजनांदगांव में। अगला जो शिल्पकला है वो धातु कला, लोहे से जो है विभिन्न प्रकार की जो है मूर्तियां बनाई जाती है। ये अभी आगे और देखेंगे, ढोकरा कला वगैरह। यहाँ पे सिर्फ धातु कला शिल्प कला के बारे में देख रहे हैं। धातु मूर्ति कला और सौंदर्य के रूप में बनाए जाते हैं, ठीक है। बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा में प्रसिद्ध है। बस्तर की घड़वा जाति, ये अलग अलग मैं लिख के रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी इसलिए ध्यान दीजिएगा विशेष में। बस्तर की घड़वा जाति, सरगुजा की मलार जाति और रायगढ़ की झारा जाति, ये तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है धातु कला बनाने के मामले में, ठीक है। बस्तर की घड़वा जाति, सरगुजा की मलार और रायगढ़ की झारा जाति द्वारा, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग अब सातवा देखते हैं। तो अगला जो शिल्प कला है दोस्तों, सातवा में है घड़वा कला, ठीक है। घड़वा कला की स्पेशलिटी है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, घड़वा और आपका ढोकरा, ये दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे लोहे का भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि घड़वा कला में जो मिश्रित धातु होते हैं जैसे कि पीतल या कांसा का उपयोग किया जाता है। और सबसे जो सुंदर शिल्प कला माना जाता है वो घड़वा कला ही माना जाता है, ठीक है। देवी, पशु पक्षी और वाद्य सामग्री तथा अन्य में जो है दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, घड़वा कला जो है बनाया जाता है, ठीक है। देवी, पशु पक्षी, वाद्य सामग्री, वाद्य यंत्र जो होते हैं हम लोग देखे हैं, जैसे कि तोड़ी हो गया, हुकुम हो गया, वाद्य यंत्र हम लोग देख चुके हैं, वो सारी जो है घड़वा कला से जो है बनाया जाता है। अन्य में दैनिक उपयोगी सामान है, ये ज़्यादातर प्रचलित है कोंडागांव और बस्तर में, ठीक है, जिसमें पीतल कांसे का उपयोग किया जाता है, जो मिश्र धातु होते हैं उनका। और ये कुछ नाम हैं, कलाकार हैं, शिल्प कलाकार, श्री पदुम, सुखचंद, जयदेव बघेल और मानिक घड़वा। इसमें मानिक घड़वा को ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि जो मानिक घड़वा है उसको जो है सम्मानित किया जा चुका है घड़वा कला के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही प्रचलित है, इस कला के कारण ही दोस्तों जो घड़वा जाति के लोग का अभ्युदय हुआ है, इसी कला के कारण उनका नाम जो है घड़वा जाति पड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो निपुण है घड़वा कला बनाने में। आठवां जो है लौह शिल्प कला, इसमें देवी देवता, पशु पक्षी और नाग मूर्ति का जो है चित्रांकन किया जाता है, बनाया जाता है। ये बस्तर में जो है आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है, बस्तर में ही प्रचलित है, लोहार जाति के लोग इसको बनाते हैं, लोहे का उपयोग किया जाता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लोहे का। ढोकरा शिल्प कला, यहाँ पे ज्वेलरी, विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी हो गई, मूर्तियाँ हो गए, बर्तन का उपयोग किया जाता है, बस्तर में ही प्रचलित है। घसिया जाति के लोग, इसमें विशेष में याद रखिएगा, घसवा जाति के लोग बनाते हैं मोम पद्धति से। यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ढोकरा शिल्प कला क्या होता है, इसमें मोम पद्धति इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसकी मोम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी होती है मोल्डेड, यदि आप लोग देखे होंगे, यदि आप वर्कशॉप की होंगे, चाहे इंजीनियरिंग हो, ITI वाले, तो वर्कशॉप में आप लोग मोल्डिंग आप लोग को सिखाया होगा, बारी के जो मिट्टी होती है जो कछारों में पाई जाती है नदियों के किनारे में, उस मिट्टी को अच्छे से छान लिया जाता है और उस पर जो है एक छाप बनाया जाता है, जो भी चीज़ हमको बनाया है वहाँ पे मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है। और जो भी चीज़ हमको बनाना है उसको गला कर क्या किया जाता है, उस सांचे में डाला जाता है, कुछ देर बाद जो है उसको ठंडा कर लिया जाता है और उसके बाद उसको तराशा जाता है। ये होता है ढोकरा शिल्प कला, ठीक है, मोम पद्धति से इसको बनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। घसिया जाति के लोग, बस्तर संभाग में इसको, सॉरी बस्तर में इसको बनाया जाता है। दसवां जो है दोस्तों तीर धनुष कला, इसमें धनुष ही बनाया जाता है। ये तीर धनुष कला में क्या होता है दोस्तों, जो धनुष होता है जिसको आखेट के लिए उपयोग करते हैं आदिवासी लोग, वहाँ पे क्या किया जाता है, उसमें लोहे की सलाखों को गर्म किया जाता है और विभिन्न प्रकार की छाप उसमें बनाई जाती है, लोहे की सलाखों को गर्म करके उसमें छाप बनाया जाता है। तो ये भी एक कला के अंतर्गत आती है तीर धनुष कला। ये सर्वाधिक जो प्रचलित है बस्तर में प्रचलित है, मुरिया आदिवासी लोग जो है ये काम करते हैं तीर धनुष कला बनाने की। ग्यारहवा है प्रस्तर शिल्प कला, प्रस्तर यानी कि होता है पत्थर शिल्प कला, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, दैनिक उपयोगी सामान बनाया जाता है, ये बस्तर में ही प्रचलित है।
बस्तर का चित्रकूट को विशेष में आप याद रखेंगे। बस्तर के चित्रकूट क्षेत्र में जो है विशेष प्रचलित है प्रस्तर शिल्पकला। बारवा है मुखौटा कला। मुखौटा कला में मुखौटा बनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जैसे आदिवासी क्षेत्र में बस्तर और सरगुजा संभाग में वहाँ पे क्या किया जाता है मुखौटे का उपयोग किया जाता है जैसे कि आदिवासी नृत्य में उपयोग किया जाता है। दूसरा भद्रानाट और छेरछेरा में, छेरछेरा में भी मुखौटा पहना जाता है लेकिन हमारे अंचल में नहीं पहना जाता है। इस क्षेत्र में बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र में जो छेरछेरा मांगा जाता है जैसे अभी हाल ही में छेरछेरा हुआ है तो छेरछेरा में क्या होता है एक नायक होता है। नायक कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक मुखिया होता है, एक प्रमुख होता है, जो सदस्य होते हैं ग्रुप जो छेरछेरा मांगने जाते हैं वहाँ पे एक प्रमुख होता है वो मुखौटा का उपयोग करता है और उसको नकटा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है नकटा, उसको याद रखेगा। छेरछेरा भद्रानाट और देवासी नृत्य में उपयोग किया जाता है। मेघनाथ स्तंभ, इसमें स्तंभ बनाया जाता है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है और ये जो मेघनाथ स्तंभ है वो काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत आता है लेकिन विशेष प्रचलित है ये कुरकू जनजाति द्वारा, इसलिए इसको अलग से लिया गया है। ठीक है, ये आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है कुरकू जनजाति द्वारा। कुरकू जनजाति द्वारा क्या किया जाता है मेघनाथ स्तंभ बनाया जाता है और उसके चारों ओर परिक्रमा किया जाता है पूजा करने के समय। अगला होता है सेमल स्तंभ। सेमल स्तंभ भी एक स्तंभ ही है जो कि काष्ठ से ही बनाया जाता है और ये आदिवासी क्षेत्र जैसे कि बस्तर संभाग जगदलपुर संभाग में ही ये ज़्यादातर प्रचलित है और ये भद्रा जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर डंडारी नाच का आरंभ किया जाता है और ये जो सेमल स्तंभ है उसके चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य किया जाता है। तो ये थी तो दोस्तों शिल्पकला और इसी प्रकार की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।